गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी जनरेटर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, और एग्जाम के लिए काफी क्या है ये, यूजफुल है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और काफी इजी है ये मार्क्स को गेन करने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। टॉपिक हमारा क्या है आज का, इलेक्ट्रिक जनरेटर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, डायनेमो बोलते हैं, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था, किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो जनरेटर क्या करेगा, रिवर्स करेगा, जनरेट करेगा, क्या करेगा वो, जनरेट नहीं एक्चुअली वो कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करेगा वो, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है इसका, इंट्रोडक्शन लिखना है इसका, और इंट्रोडक्शन में क्या हो गया है कि जनरेटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ओके। तो ये आपका क्या हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और क्या बताया था कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब तक हम चेंज करेंगे किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, या हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक हम इसको चेंज करते रहेंगे, इसको हम क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो हम प्रोडक्शन करते रहेंगे किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वोल्टेज का हम जनरेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, जब तक हम चेंज करते रहेंगे, किसको चेंज करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे, तब तक प्रोडक्शन होता रहेगा किसका, वोल्टेज का, या आप लिख सकते हैं किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। और ये कब तक प्रोडक्शन होता रहेगा, जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। तो यही हमने लिखा हुआ है प्रिंसिपल में, कि ये किस पे बेस पे काम करता है, इट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, या फ्लक्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे फील्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास के लिए आप यहाँ पे फ्लक्स लिख ज्यादा बेटर होगा, और टेंथ क्लास के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के जो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो हमने आपको दिखा दिए हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स माउंट होते हैं किसके ऊपर, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो यहां जो आर्मेचर है ए बी सी डी, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर क्या है, बाउंड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है आर्मेचर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इंसुलेटेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। सेकेंड पॉइंट है इसका फील्ड मैग्नेट। प्रिंसिपली क्या है इसका, कि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो यहाँ दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास है, परमानेंट मैग्नेट हमारे पास है, और एक साइड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, और एक साइड यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स। नेक्स्ट इज, अगर हम चाहते हैं कि हम जनरेशन करें किसका, एसी का जनरेशन करें, तो एसी के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, कंप्लीट रिंग, फुल सर्कल लगाएंगे। और हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन हम करें किसका, डीसी का करें, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, स्प्लिट रिंग लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर दिया है कि आर वन आर टू क्या है, ये रिंग है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये दीज आर फॉर एसी जनरेटर, एंड स्प्लिट रिंग फॉर डीसी जनरेटर। अगर आप डीसी जनरेट करना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे हम, स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स सेमी इन दिस वे। और एसी के लिए क्या लगाएंगे, स्लिप रिंग, ओके, आर वन एंड आर टू दैट आर ऑलरेडी शोन इन डायग्राम, आर वन एंड आर टू फॉर एसी। नेक्स्ट इज ब्रोसेस। ब्रोसेस क्या है, जो रेड आप पोर्शन देख पा रहे हैं, बी वन एंड बी टू, ये क्या है, ब्रोसेस है, ठीक है, ओके। इनके थ्रू हम आउटपुट जो बनेगी इसके अंदर, जो वोल्टेज बनेगी, उसको हम फीड करेंगे एक सर्किट के अंदर। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बल्ब भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें,
तो गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, बल्ब से, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, करंट की अमाउंट बताएगा और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये भी बताएगा गैल्वेनोमीटर। ओके, और नेक्स्ट हम फिर चलने वाले हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग, ये वर्क कैसे करेगा, वर्क ये कैसे करेगा, तो वर्किंग की हम बात करें तो उसके लिए हमें रूल याद रखना है जिसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एक हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या था, वही राइट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, थंब पॉइंट, फोर फिंगर एंड दिस इज सेंट्रल फिंगर, मिड फिंगर। इसको हमने क्या बताया था, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। और अभी हम यूज करने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भी क्या है, सेम है, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब क्या है, फोर्स, ठीक है, मदर मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब क्या है, चाइल्ड। लेकिन यहाँ पे करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि हम यहाँ पे करंट क्या कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो करंट को यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, हम करंट नहीं बोलेंगे, हम उसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। वोल्टेज नहीं बोलेंगे हम उसको, इंड्यूस्ड वोल्टेज या उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये हमारे पास सपोज क्या है, एक लूप है ए बी सी डी, इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं लाइक दिस। एक हैंडल लगा रखा है हमने और एक हैंडल की हेल्प से ये रोटेट कर रहा है इन दिस, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है सी डी, ये कैसे मूव करेगा, आउटवर्ड, जस्ट लाइक दिस पेज। सपोज ये ए बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये लाइक दिस मूव कर रहा है। तो सी डी पोर्शन कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, और ए बी कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, आप देख सकते हैं ए बी सी डी। तो सी डी पोर्शन कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, और ए बी पोर्शन कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। तो देखिए करंट किस तरीके से प्रोड्यूस होगा इन दिस, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब फोर्स कैसे लगा इस आर्म पे, तो इस आर्म पे हम देख पा रहे हैं क्या फोर्स कहां लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, सी डी आर्म पे फोर्स लगा आउटवर्ड, तो इसमें करंट कहां जाएगा, डाउन इन दिस वे, ठीक है। तो करंट कहां चला गया है, नीचे चला गया है, क्योंकि ये जो पोर्शन है सी डी, ये कैसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है आउटवर्ड, तो इस पे करंट का जो प्रोडक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ, डाउनवर्ड हुआ, ठीक है। जब सी डी आउटवर्ड मूव करेगा उसी टाइम पे ए बी कहां मूव करेगा, इनवर्ड, तो इसके लिए फोर्स डायरेक्शन कैसा होगा, इन दिस वे। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ, और अभी ये आउट था, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो गया है, इनवर्ड। तो ये जो पोर्शन है, जो आपके पास आर्म है ए बी, तो इसमें करंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ राउंड, जैसे हाफ राउंड क्या होगा, कंप्लीट, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, सी डी। हाफ राउंड के बाद क्या होगा, इन दिस वे, इधर तो कौन आ जाएगा, सी डी, और इधर कौन चला जाएगा, बी ए। तो फिर से क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ राउंड, तो ये वाला पोर्शन कहां मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा, और ये वाला पोर्शन कहां मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। तो इनवर्ड के लिए इसमें करंट कहां जाएगा, ऊपर, और इसमें करंट कहां आएगा, नीचे आएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ राउंड, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया है, ठीक है। जैसे अभी करंट कहां मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, सी से डी मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ राउंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया। यहां तो कैसे मूव कर रहा था करंट, ए टू बी, एंड कैसे मूव कर रहा था, सी टू डी। वहां पे आप देखिए तो आप देख पा रहे हैं करंट कैसे मूव कर रहा है, बी टू ए एंड बी टू सी, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा रखा है कंप्लीट रिंग लगा रखा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा, एसी बनेगा इन दिस वे। तो जो करंट है उसका पोलैरिटी है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और अगर हम क्या कर देते हैं, स्लिप रिंग को रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, हम स्प्लिट रिंग से रिप्लेस कर दें, किस रिप्लेस कर दें, हम स्प्लिट रिंग से रिप्लेस कर दें, तो इन दैट केस हम ऑब्टेन कर पाएंगे डीसी वोल्टेज, ठीक है। क्या ऑब्टेन कर पाएंगे हम, डीसी वोल्टेज। तो एसी के लिए क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे एसी के लिए, रिंग लगाएंगे, और डीसी के लिए क्या लगाएंगे हम, सेमी सर्कुलर रिंग लगाएंगे, ठीक है। और ये आपको ग्राफ दिखा रखा है कि जो एसी वोल्टेज है, एसी जो करंट है वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है। और यहां आपको दिखा रखी है डीसी, और डीसी क्या दिखा रखी है, ये वेरिएबल डीसी है जिसका वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये आपको क्या दिखा रखा है, कॉन्स्टेंट डीसी, जिसमें वोल्टेज क्या, वोल्टेज और करंट क्या आ रही है, इसमें कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। और ये रूल आपके सामने है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल आपको बताया था, फिर से वही करना है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सी फोर क्या हो गया है, करंट हो गया है। एक टर्म और आप इसमें रिमेंबर कर सकते हैं कि जो ऑल इंडिया है उसमें जो एसी फ्रीक्वेंसी का सप्लाई है, एसी फ्रीक्वेंसी सप्लाई इन इंडिया वो कितनी है, तो ये है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और कितना वोल्टेज घर में आता है, वोल्टेज सप्लाई डोमेस्टिक जो आती है, ये आती है 220 वोल्ट, और ये मैक्सिमम कहां तक चली जाती है, ये मैक्सिमम चली जाती है 311 वोल्ट, ठीक है। और जो इंडस्ट्री है वहां हैवी अप्लायंसेस ऑपरेट करने होते हैं, तो वहां पे कितनी आती है, 440 वोल्ट आती है, ठीक है। 50 हर्ज का मतलब क्या है, ये है वन साइकिल है, ठीक है। मींस ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट करती है वन सेकंड में, 50 साइकिल ऐसे कंप्लीट करती है कितने टाइम में, वन सेकंड के अंदर, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू, आपने इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ आपको इसी पैटर्न से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन, फिर प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग, और ये ग्राफ आपने जरूर प्लॉट करना है, किसके लिए, एसी के लिए, और किसके लिए, डीसी के लिए। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।